अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। कल हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 उठाएंगे और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टीज फाइंड। देखिए, हमें यहां पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स है वो यूज करके हम ये निकाल लें। वे हैव टू सिंपलीफाई दिस। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 मल देन -3/5 इंटू 1/6। देखिए बेटा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है डिस्ट्रीब्यूटुला, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। तो देखिए, यही प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करेंगे। आप 3/5 को ए कंसिडर करिए और -2/3 को बी कंसिडर करिए। फिर यहां पर फीस से है 3/5, उसको ए मानेंगे और 1/6 को सी मानेंगे। तो ये बन गया ए इंटू बी। अब यहां माइनस नहीं, यहां प्लस है, ए इंटू सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन टर्म्स को इसी ऑर्डर में लाएंगे। देखिए कैसे। सो वी फर्स्ट राइट -2/3 इंटू 3/5 को यहां पर हम यूज करेंगे कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। -2/3 इंटू 3/5 इज सेम एज 3/5 इंटू -2/3 से। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पढ़ी है कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह जो यहां पर है ये -3/5 इंटू 1/6, अब मैं इसको लिखूंगा, लेकिन क्या लिखूं, मैं लिखूंगा +3/5। देखिए, मैं -3/5 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा +3/5। अब जो इस -3/5 के साथ जो माइनस है वो मैं लिखूंगा 1/6 के साथ इंटू -1/6। और फिर हमारी टर्म यहां पर है, एक टर्म रहेगी, दैट इज 5/2। तो यहां हमने यूज किया कॉमिटेटुला, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। देखिए, अब हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटुला। अब 3/5 यहां पर है, इसको ए मानिए और -2/3 को हम बी कंसिडर करेंगे। फिर से 3/5 है, इसको ए कंसिडर करेंगे और -1/6 को सी कंसिडर करेंगे। देन इज इन द फॉर्म ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अभी मैंने कहा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटुला, दैट इज ए इंटू बी प्लस सी। तो ये बनेगा 3/5 इंटू -2/3 देन -1/6 और फिर हम लिखेंगे 5/2। तो यहां पर हमने यूज करी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में आप जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूट जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। तो मजीद सिंपलीफाई करेंगे, देखिए इसको 3/5 रहने देंगे ऐसे ही और अंदर से अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो -12 बनेगा और 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -1 इज -3 और फिर 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 6 इज 18 और 5/2 को ऐसे ही रहने देंगे। इट इज फर्दर इक्वल 3/5। देखिए बेटा, आप सिंपलीफाई करेंगे, अंदर -12 और -3 हो गए -15 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 5/2। देखिए कैंसिलेशन करेंगे, यहां पर 5 1 आर 5, 5 3 आर 15, 3 1 आर 3, 3 6 आर 18।
सो इट इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई सिक्स, क्या बनेगा माइनस थ्री बाई सिक्स प्लस फाइव बाई टू। तो बेटे यहां पर देखिए, यहां से फिर से कैंसिलेशन करेंगे, बनेगा थ्री वन आर थ्री, थ्री टू आर सिक्स, सो इट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू प्लस फाइव बाई टू। अब माइनस वन बाई टू और फाइव बाई टू दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर टू है, तो हम टू हम लेंगे एलसीएम, टू एलसीएम लेंगे तो देखिए ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा माइनस वन प्लस फाइव, फाइव माइनस वन कितने हो गए, फाइव माइनस वन इज फोर डिवाइड बाई टू एंड फोर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू टू। लिहाजा ये जो पार्ट नंबर वन है इट विल सिंप्लीफाई टू टू, ठीक है। इसी तरह इसमें दूसरा पार्ट है, पार्ट नंबर सेकेंड, पार्ट नंबर सेकेंड है वी हैव टू सिंप्लीफाई टू बाई फाइव इंटू माइनस थ्री बाई सेवन माइनस वन अपॉन सिक्स इंटू थ्री बाई टू प्लस वन बाई फोर्टीन इंटू टू बाई फाइव। देखिए बेटा इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम फिर से जो टू बाई फाइव इंटू माइनस थ्री बाई सेवन और टू बाई फाइव इंटू वन बाई फोर्टीन, पहले इन टर्म्स को हम दोबारा से रिराइट करेंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे इट इज टू बाई फाइव इंटू माइनस थ्री बाई सेवन, इसको ऐसे रहने दीजिए। देखिए इसके बाद ये टर्म जो है टू बाई फाइव इंटू वन वन बाई फोर्टीन, अब मैं ये लिखूंगा प्लस टू बाई फाइव इंटू वन बाई फोर्टीन, बिकॉज जो एडिशन है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज कमिटेटिव, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे माइनस वन बाई सिक्स इंटू थ्री बाई टू, ठीक है। अब ये फिर से देखिए क्या बन गया, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो यहां पर हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी, तो यहां पर हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो टू बाई फाइव हम कॉमन लेंगे, इट इज इक्वल टू टू बाई फाइव। देखिए अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा माइनस थ्री बाई सेवन और फिर रहेगा प्लस वन बाई फोर्टीन, देन माइनस वन बाई सिक्स इंटू थ्री बाई टू विच इज फर्दर इक्वल टू बाई फाइव इंटू, देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो 14 है, लिहाजा हम इस माइनस थ्री बाई सेवन इसका भी डिनोमिनेटर 14 बनाएंगे, या आप चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर डिनोमिनेटर 14 बनाऊंगा, देखिए बेटा मैं माइनस थ्री बाई सेवन को मल्टीप्लाई भी करूंगा टू से और डिवाइड भी करूंगा टू से, सो दैट इज सेवन टू और 14 और फिर यहां पर है प्लस वन बाई फोर्टीन, या आप चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए थ्री और फोर्टीन को, वन और सेवन को, फिर सेवन और फोर्टीन को, दोनों ठीक है। माइनस देखिए यहां पर कैंसिलेशन करेंगे, थ्री वन आर थ्री, थ्री टू आर सिक्स, सो इट इज माइनस वन बाई टू इंटू टू इज फोर विच इज फर्दर इक्वल टू बाई फाइव इंटू माइनस थ्री इंटू टू इज माइनस सिक्स डिवाइड बाई सेवन टू आर फोर्टीन प्लस वन अपॉन फोर्टीन, फिर रहेगा यहां पर माइनस वन अपॉन फोर विच इज फर्दर इक्वल टू अपॉन फाइव इंटू, आप देखिए यहां दोनों टर्म्स का जो डिनोमिनेटर सेम है 14, तो 14 लेंगे एलसीएम, ऊपर बनेगा माइनस सिक्स प्लस वन और फिर लिखेंगे वापस माइनस वन बाई फोर विच इज फर्दर इक्वल टू अपॉन फाइव इंटू, देखिए माइनस सिक्स प्लस वन कितने हो गए, इट इज माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फोर्टीन माइनस वन बाई फोर। देखिए बेटा यहां कैंसिलेशन होगी, इस प्लस फाइव को
इस 5 के साथ कैंसिल कर दीजिए, 2 1 r 2 2 7 is 40, तो क्या बन गया -1/7। तो वहां रह गया -1/7, ठीक है ना, -1/7 और फिर है -1/4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -4 × 1 = -4, 7 × -1 = -7, divided by 7 4s are 28, -4 और -7 हो गए -11, divided by 28, hence this part simplifies to -11/28. Then is question number 3, write the additive inverses of, देखिए यहां पर हमें कुछ रैशनल नंबर्स हैं, हमें इन रैशनल नंबर्स के एडिटिव इनवर्सेस लिखने हैं, तो मैं इस पर आपको होमवर्क रखूंगा। रैशनल नंबर यहां पर हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे और एज एन होमवर्क आप इन सारे पार्ट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस भी लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप इनके खुद लिखेंगे। अब देखिए बेटा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रैशनल नंबर ए इज -a एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रैशनल नंबर ए इज 1/8, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो अब आपको बताना है कि 2/8 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा। देखिए ए का एडिटिव इनवर्स होता है -a, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा -2/8, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रैशनल नंबर इज 1/a, तो 2/8 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्या बनेगा 8/2, तो -2/8 इसका एडिटिव इनवर्स बनेगा और 8/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा। इसी तरह है -5/9 का एडिटिव इनवर्स बनेगा +5/9 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप खुद देखेंगे क्या बनेगा। इसी तरह हमारे पास एक और पार्ट है -6/-5, देखिए इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे, यहां माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो वहां 6/5 रहेगा, सो इंस्टेड ऑफ -6/-5 वी कैन राइट 6/5, और 6/5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या बनेगा -6/5 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप खुद लिखेंगे। इसी तरह इसमें एक और पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद क्वेश्चन पर बात करेंगे। वस्सलाम।